अभी हम पहुंचे हैं राजघाट, गेट बंद हो चुका है बट आखिरी एंट्री हमारी है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं आपको राजघाट। तो गाइस अब हम लोग चलेंगे अंदर। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ राजघाट की गांधी जी की समाधि के बारे में लिखा हुआ है। हम लोग अंदर आ चुके हैं। हम लोग पहुँचते हैं समाधि के पास, और समाधि के पास जो भी जाता है वो अपने स्लिपर या स्लिप बाहर निकाल के जाता है। तो अभी हम लोग चलेंगे समाधि के पास। हेलो गाइस, आज हम लोग दिल्ली राजघाट महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल के पास पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे हे राम, जो उनका मेन कोटेशन था हे राम, वो लिखा हुआ है। सामने अमर ज्योति जल रही है, इसी को अमर ज्योति बोलते हैं। 24 घंटे ज्योति इसी प्रकार जलती रहती है। आप ये जो स्थान देख रहे हैं चारों तरफ, यहाँ पे प्रायः लोग आते रहते हैं, बड़े नेता हों या इनके या कोई मंत्री हों, इस तरह के लोग यहाँ प्रायः आते रहते हैं। कुछ लोग विरोध जताने के पर्पज़ से भी यहाँ पे आते हैं। महात्मा गांधी जो कि जो है एक उनका था सत्याग्रह करने के लिए भी प्रायः लोग यहाँ पे आते हैं। तो आज हम यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ, इसके चारों तरफ जो है बहुत बहुत बढ़िया ग्राउंड भी बना हुआ है, और बाकी तो आप सामने देख रहे हैं। आप लोगों जैसा कि अभी देख लिया राजघाट दिखाया हमने, और आपको बता दें कि इसके थोड़ा सा और आगे जाने के बाद उधर आपको शक्ति स्थल जो इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है, उसके बाद विजय घाट राजीव गांधी जी का है, उसके बाद यहाँ भी जाएंगे साइड तो लाल बहादुर शास्त्री जी का, मतलब यहाँ पे एक तरीके से जितने भी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों का समाधि स्थल यहाँ इस एरिया में पूरा बनाया गया है। किसी और दिन जाके बाकी एरिया के भी बारे में आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच सर। एंड किस गाइस, आप लोगों को वीडियोस कैसी लगी? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, एंड किस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना। सो थैंक यू एंड बाय बाय।